तुम लोग रसोई में क्या कर रहे? खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। सुमन कहाँ है? कमरे में। क्या? इसने खाना नहीं बनाया? भैया, अगर भाभी ने खाना बनाया होता तो हम किचन में घुसे माथा पच्ची क्यों कर रहे होते? भैया, आप तो देर से आते, आपको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। हर रोज आधे से ज्यादा घर का काम हम लोग निपटाते हैं। मगर आज पूरा झाड़ू पोछा सफाई हमें करनी पड़ी, यहाँ तक कि चूल्हा चौका करना पड़ा। और वो महारानी अपने कमरे में आराम फरमा रही है। अभी उस काम चोर का आराम हराम। ओ सुमन, आना क्यों नहीं बनाया? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे भाइयों के लिए खाना बनाना पड़ता है तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। अपनी माँ के घर जाकर खाना बनाने में तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होती हरामखोर? आप क्या नाम शनाब पके जा रहे हो? मेरा मुंह मत खुलवाओ, सच हमेशा कड़वा होता है। चंदा, चंदा मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत। जब अपने तरीके से उठाऊं। चंदा मेरा यकीन करो, धर्म से मैंने कहा था डॉक्टर को बुलवा दे, दवाई लेते ही मैं खाना बना दूंगी। ये क्या कह रही हो भाभी? डॉक्टर की बात कब कही थी आपने? और आप तो आते ही टीवी के सामने बैठ गई थी, क्यों झूठ बोल रहे हो? झूठ वो नहीं, तुम बोल रही हो। चंदर, धर्म और प्रेम तुम्हें उकसा रहे, जरा होश से काम लो। देखा भैया, भाभी हम पे कैसे कैसे लांछन लगा रही है। इसका तेरा चरित्र तुम अच्छी तरह से जानता हूँ। चंदर, छोटे भाइयों के सामने तो सोच समझ कर बोलो, आखिर मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बीवी? झूठी और फरेबी बीवी। चंदर, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। अभी तुमने मेरी हद देखी कहाँ? खबरदार, आगे से यहाँ बीमारी का नाटक किया तो। चंदर की पत्नी बनकर एक भाई के बदले देवरों के रूप में दो दो भाई पाऊंगी, जो दफ्तर से लौटने पर हंसते हंसते मेरे कामों में हाथ बटाएंगे, आदर सत्कार करेंगे, सर आंखों पर बिठाएंगे। मगर ये तो मेरे सपनों में भी नहीं सोचा कि मुझे झूठी मक्कार कहेंगे, आंखें दिखाएंगे। देखा भैया, देखा देखा कैसे जूते की नोक पर रखता है इस फिल्म का हीरो अपनी पत्नी को। मजाल है जो पत्नी दम मार जाए। वाह शेर दा पुत्र, वाह। क्या पागलों जैसी हरकतें कर रही हो तुम? पागल कुत्ते ने जो काटा है। तमीज, तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है, सिर्फ दो टुक बात करनी है। घर का काम करते वक्त तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है और बहस करने के लिए ताजा दम हो जाती हो। जब पानी सर के ऊपर से निकल जाता है तो सर को उठाना पड़ता है। उठे हुए सर को कुचलना मुझे खूब अच्छी तरह से आता है, पर जो कहना है जल्दी कहकर खत्म करो, मुझे नींद आ रही है। तुम्हें नींद नहीं, शराब की खुमारी सता रही है। बकवास मत करो, जल्दी कहो जो कहना है। अब मैं तुम्हारे सर फिरे भाइयों के साथ नहीं रह सकती। सर फिरे तुम? चंदर, तुम और तुम्हारे घर के तौर तरीके नहीं बदले तो क्या इस घर को मैं छोड़कर चली जाऊंगी। दांतों के भूत बातों से नहीं मानते। माँ ये देखो माँ, आज क्लास में फर्स्ट आने पर हेडमास्टर ने मुझे
स्वामी विवेकानंद की किताब उपहार में दी है माँ। शाबाश मेरे बच्चे शाबाश। माँ काश अगर आज दीदी भी होती वो भी इसे देखकर बहुत खुश होती ना। बलवंत माँ दीदी की आवाज लगता भगवान ने मेरी सुन ली। माँ दीदी, अरे दीदी आप साथ में अटैची लाई है, लगता है कुछ दिन यहाँ रुकने वाली है। कुछ दिनों के लिए नहीं, तो हमेशा के लिए यहाँ आ गई। क्या आखिर हुआ क्या दीदी? क्या हुआ बेटे, चंदर से कुछ कहा सुनी हो गई है क्या? तो कहा सुनी कहा माँ, वो तो मारपीट पर उतर आया है। मारपीट? अरे वो इंसान है या वैश्य जानवर? और तेरे वो दोनों देवर क्या उसे नहीं समझाते? एक करेला दूसरे नीम चढ़ा, ये तो उल्टा मेरे खिलाफ हर बार उन्हें उकसाते रहते हैं। तो पूरे का पूरा आवा ही खराब है। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। सब्र कर मेरी बच्ची सब्र, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बलदेव तू ही बता, मैंने अपने जिन भाइयों को छोटे बच्चों की तरह पाला है, कोई औरत उन पर जुल्म करे ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? हम तो तब भी चू तक नहीं करते थे, लेकिन तब भी भाभी हमसे खुश नहीं रहती थी, कुछ ना कुछ कमी निकाल कर हमें डांट ही देती थी। और अगर कभी कभार हमारे मुंह से कुछ निकल भी जाता था तो चंदर भैया से शिकायत करने की धमकी देती थी। हम तो बस ये सोचकर चुप हो जाते थे कि घर में क्लेश ना। अरे मैं क्या तुम दोनों को जानता नहीं? तुम दोनों के मुंह में तो जबान ही नहीं। सच कहते हो बलदेव, मेरे भाई बड़े हो गए लेकिन अभी भी कितने भोले और मासूम हैं। पता नहीं सुमन को इन मासूम बच्चों पे क्यों तरस नहीं आया, उसे तो हमेशा अपनी माँ और भाई की फिक्र लगी रहती थी। और यहाँ हम लोग देर रात तक बैठे भाभी का इंतजार करते रहते थे। और भाभी वहाँ अपनी माँ और अपने भाई के मुंह में खाना ठूस ठूस कर खिलाती और रात गए घर लौटती। यार चंदर, तुमने उस पर फालतू लाड़ प्यार उड़ेल कर साली का दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ा दिया होगा। अब मुझे क्या पता था कि लाड़ प्यार से सत्कार नहीं बल्कि फटकार मिलेगी। मैं तो कहता हूँ अभी चल, या तो सुमन को घर लाते हैं या फिर उसे नानी याद करा देते हैं। अपनी से छोड़ दे सुमन, अकेली औरत की इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती, लोग उसे शक की निगाह से देखते हैं। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है माँ। आखिर तेरे मन में क्या है बेटे? कुछ नहीं माँ, मैं उस इंसान के साथ रहना नहीं चाहती जिसे मेरे जज्बातों की बिल्कुल कदर ना हो। तू दूसरी शादी करना चाहती है? पहली शादी से कौन सा सुख पा लिया मैंने जो मैं दूसरी शादी के बारे में सोचूं? तेरे आगे पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है बेटा, अगर मैं मर गई तो। माँ ऐसा क्यों कहती हो? माँ मैं हूं ना दीदी को देखने वाला। तू पता नहीं कल तुझे कैसे दिखे। नहीं बेटे, तुझे कुछ ना कुछ तो फैसला करना पड़ेगा वरना तेरे भविष्य की चिंता मुझे खा जाएगी। माँ तू मेरी चिंता मत कर, मैं अकेले ही इस दुनिया से लड़ सकती हूँ। इस वक्त कौन आया होगा? बेटा बलवंत देख तो जरा कौन आया है। बलवंत बैठ, मैं देखती हूँ। इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें लेने। चलो सामान उठाओ। पहले भी मैं तुमसे कह चुकी हूँ मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। भला ऐसे कैसे हो सकता है? तुम बीच में मत बोलो। तुम इससे बात करो, बंदे मेरा दोस्त है। दोस्त है ना तो दोस्त को समझाओ, हम दोनों के मामले में बीच में ना आए। कौन आया है बेटा? आओ, तुम्हारी बेटी का पति और तुम्हारा दामाद।
चंदर चल। मैं कहती हूँ मुझे नहीं चलना है तुम्हारे साथ। चल क्या तेरे तो रिश्ते भी जाएंगे। हाथ छोड़ो मेरा। सुमन अपनी माँ को तमीज सिखा दो। पति पत्नी के बीच में दखल न दे। तमीज से बात करो, ये मेरी माँ है। तमीज से मैं इधर का रास्ता कैसे भूल गई? तू कहे तो चली जाऊं, मगर आज तो कुछ भी बोलेगी ना मैं नहीं जाने वाली। अरे बाबा तू तो ऐसा क्यों सोचती है, चल अंदर चल। अब बैठ। और सुना सुमन, क्या हाल है तेरा? अपने हालात तो तू सब जानती ही है ना। क्या मतलब? क्या तुम्हारे पति के स्वभाव में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया? अड़ियल घोड़ा भी कभी अपनी दुबकी चाल बदलता है? चिट्ठी। किसकी चिट्ठी में इतना खोई हो सुमन? चंदर का खत। देखो तो सही जनाब ने लिखा क्या है। वाओ, आई सी, अड़ियल घोड़ा आखिर अपनी चाल बदलने पे मजबूर हो ही गया। देर आए दुरुस्त आए, शुक्र है चंद्र को अकल तो आई। क्या कहा बेटे, चंद्र को अकल आ गई? लेकिन कहाँ है चंद्र? चाची चंद्र नहीं आया, उसकी चिट्ठी आई है। अच्छा, क्या लिखा है? चाची चंद्र को अपने किए पे बहुत पछतावा है और उसने माफी मांगी है। चल भगवान का लाख लाख शुक्र जी को दोबारा घर बसाने का ख्याल तो आया। सुमन आई एम वेरी हैप्पी, तुम्हारी ससुराल जाने की उम्मीद नजर आ रही है। डोंट गेट एक्साइटेड सो सून, कौन जाने वक्त किस मोड़ पर ले जाता है। क्या हुआ धर्म भैया? रोटी बना रहा था, हाथ जल गया। अरे जल्दी से मरहम लगाओ वरना छाला पड़ जाएगा। अरे छाला तो पड़ गया भैया, अब ये रोटी वोटी मुझसे नहीं बनती भैया। साफ सफाई का काम करते करते मेरी कमर भी दुखने लगी है। ये सब्जी वगैरह काटना मेरे बस की बात नहीं है। काश वो चिट्ठी पढ़कर सुमन वापस आ गई होती। अरे भैया बुलाओ भाभी को, वरना वहाँ वो पड़ी रहेंगी और होटल से खाना मंगा कर अपना तो पेट खराब हो जाएगा। चंद्र भैया कुछ करो। ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुमन मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं और अपनी गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांग चुका हूं। मेरे मासूम भाई भी तुम्हें मना मना कर थक गए हैं। देखो प्लीज चलो, चलो अपने घर चलो। न जाने क्यों मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तुम मुझे आत्मसम्मान के साथ अपने घर में रखोगे। अब तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? माँ जी आप ही समझाइए ना सुमन को। देखिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अब ऐसा कुछ नहीं होगा जो सुमन को बुरा लगे। माँ बेचारी क्या बोलेगी, जिसके दिल में तुम्हारे दिए हुए जख्म अभी तक भरे नहीं है। तुम दोनों पति पत्नी खुश रहो, तुम्हारी माँ के दिल के जख्म खुद ब खुद भर जाएंगे। माँ सुमन मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। अब तुम भी संकोच मत करो, खुशी खुशी अपने घर चले जाओ। माँ अभी और फिर दामाद जी तो अपनी पहली गलती से शर्मिंदा। माँ के समझाने बुझाने
और पति की कसमों पर यकीन करते हुए सुमन ससुराल चली गई। दिसंबर 1971 में चंद्र द्वारा की गई ज्यादतियों को भी उसने भुला दिया। उसके जीवन में फिर से खुशियां लौट आई। सुमन गर्भवती हो गई और उसने जिंदगी फिर से सामान्य बनाने की पूरी कोशिश शुरू की। लेकिन चंद्र और उसके दोनों सरफिरे भाइयों ने कुछ दिन बाद फिर रंग दिखाना शुरू कर दिया। भाभी, आंखें मूंद कर कपड़े प्रेस करती हो क्या? क्या हुआ धर्म? ये देखो, बटन गायब है और तुम्हारी इस पे नजर ही नहीं गई। अब ये कपड़े पहन के मैं बाहर जाऊंगा तो दूसरी पहन लो। क्यों, यही पहनूं तो क्या आपको एतराज है? अब ये लो जल्दी से डाको, मुझे पहले ही बहुत देर हो गई। जाने का तुम लोगों के मन मेरे लिए अपनेपन का एहसास जागेगा। भाभी, रात का नाश्ता परोस दिया है क्या? अरे, मैंने तो अभी बनाया है। अभी बनाया होता तो इतना ठंडा होता क्या? लाओ, गर्म करके देती हूँ। ताजा नाश्ता बनाकर देना हो तो दो, वरना मैं बाहर जा रहा हूँ खाने। नाश्ते का बिल आपको ही भरना होगा। प्रेम, बिहेव योर सेल्फ। धर्म की कमीज का बटन लगाने जा रही हूँ, इंतजार करो, आते से ही तुम्हें गर्म करके देती हूँ। तुम्हारा इंतजार करने की आदत भैया को है, हमें नहीं। नहीं खाना तुम्हारा नाश्ता वास्ता, बाहर जा रहा हूँ मैं खाने। ना जाने कभी सुधरेंगे। चंदर, कहाँ जा रहे हैं? देख नहीं रहा, घर जा रहा हूँ। सुमन क्या लौट कर आई? तू तो यार को भी भूल गया। अरे यार, तू क्या कोई भूलने की चीज है? भूलने वाली चीज तो वो भी नहीं जिसे तू भूला बैठा है। अबे यार, क्या करूं, मजबूरी है। सुमन ऐसी शर्त पे वापस आई है कि आज के बाद कभी नहीं। तू भी पगला है, बाहर पी, पान खा और घर जा। तू भी खुश, भाभी भी खुश। तेरे में यही नुक्स है यार, तू ना सोचता ज्यादा है और करता कम है। आखिर तू चाहता क्या है? चल, एक बोतल खरीदते हैं, नमकीन के साथ गटागट पीते हैं और दोनों अपना अपना रास्ता नापते हैं। नहीं यार, वो सुमन को पता चल जाएगा, वो बड़ी होशियार। अरे कुछ नहीं होता, खुशबू वाला पान किस मर्ज की दवा है? मजा ले, शराब की बू आए। अरे क्या सोचता है यार, चल चल। चंदर, एक मिनट। क्या? चंदर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उस वक्त कल कर लेना। नहीं चंदर, मुझे अभी करनी है। बोल। चंदर, तुम अपने भाइयों को क्यों नहीं समझाते हो? समान, क्यों उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी हो? मैं उनके पीछे नहीं पड़ी हूँ, वो मेरे पीछे पड़े हैं। ये बात तो सुबह भी हो सकती है। रहते हो भी कुछ कहता है चंदर, पहले मेरी एक बात मानोगे? माँ के घर रुको।